आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी हो लेकिन उसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो है आपका ऑडियो। तो जो अभी आप आवाज सुन रहे हो ये रिकॉर्ड हो रही है विदाउट अकुस्टिक पैनल। आप देख सकते हो कि हमारी ऑडियो में आपको कितना सारा एको देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारा स्टूडियो बिल्कुल ही कम्प्लीटली खाली है। नाउ अब जो आप आवाज सुन रहे हो ये हमारे अकुस्टिक पैनल का मैजिक। पूरी ऑडियो कम्प्लीटली नेचुरल है, इसके अंदर हमने जरा से भी एडिटिंग नहीं की है। मुझे पर्सनली वो अकुस्टिक पैनल बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मार्केट में इजिली मिल जाते हैं, उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती है। सबसे पहला पैसा, आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाते हैं। दूसरा कलर, मैं नहीं हूँ लेकिन उसके अंदर आपको ब्लैक कलर लिमिटेड कलर मिल जाते हैं जो बिल्कुल डार्क होते हैं, आपकी थीम से मैच नहीं होते। उसके अलावा पोर्टेबिलिटी, उसमें होता है कि आप एक वॉल पे उसको चिपका दो, आप दोबारा कभी उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन जब आप उसको निकालोगे तो आधी वॉल की पपड़ी और आधा आपका फोम निकल जाता है। लुक की बात करें तो लुक के मामले में वो ओल्ड फैशन हो गया, सब जगह एक ही जैसे पैनल देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें उसकी थिकनेस की तो थिकनेस भी ज्यादा नहीं मिलती है, 1 इंच 2 इंच के हमको अकुस्टिक पैनल देखने को मिल जाते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ हमने बनाया कस्टम अकुस्टिक पैनल 3x2 फीट के, जो कि लुक के मामले में हमारी थीम को बिल्कुल ही मैच करते हैं। जैसा हमारा स्टूडियो उसके हिसाब से हमने उसे अलग अलग कलर देके डिजाइन किया है जो हमारे स्टूडियो में बिल्कुल ही एक अलग फील दे देते हैं। बात करें अगर कलर की तो यहाँ पे कलर हम कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि हमने यूज किया है फैब्रिक। जी हाँ, अलग अलग कलर के हमने फैब्रिक यूज किए। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि महंगे हो गए तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये महंगे नहीं हुए, ये बहुत ईजी और सस्ते बजट में हमको बन गए। अगर हम बात करें फैब्रिक की तो फैब्रिक ये वही है जो आप भी यूज करते हो अपना पैंट सिलवाने के लिए। और इस कॉस्ट को अगर हम चाहे तो और भी कम कर सकते हैं अगर हम बड़ा कपड़ा ले लें, मतलब हम इसे थान कहते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कपड़े का रोल आता है जिसमें से आपको जितना कपड़ा लग रहा है आप अगर पूरा का पूरा कपड़ा उसमें से ले लो तो आपका कॉस्ट और कम हो जाता है क्योंकि वो सिंगल कलर में मिलता है। हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर चाहिए थे तो हमें पर पीस 250 रुपए का पड़ गया, तो हल्का सा हमारा वहाँ पे प्राइस बढ़ा, अगर हम चाहे तो उसे भी कम कर सकते। तो यहाँ अगर बात आ गई पैसों की तो हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। हमारा एक पैनल हमें पड़ा है 1000 रुपीज के आसपास का। हम इस प्राइस को और भी कम कर सकते अगर हम पैनल्स की क्वांटिटी बढ़ा दे अपने रूम के साइज के हिसाब से, और हमारे पैनल्स हो जाते हैं पोर्टेबल। जी हाँ, हमें इसके अंदर पोर्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। हमारे पैनल जो बहुत इजीली रीअरेंज हो जाते हैं, हमें जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए हम उस हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं। हमने इनके बैक के पीछे हुक लगा दिया और ये बहुत इजीली हमारे वॉल पे माउंट हो जाते हैं। हम जब चाहे जैसे चाहे इसे रीअरेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली हैंग हो जाते हैं और निकल भी जाते हैं। और हम हमारा सेटअप हमेशा चेंज करते रहते हैं। जब हम सामने से कोई वीडियो बनाते हैं तो हमारा सेटअप कुछ इस तरीके से दिखता है, जब हम पॉडकास्टिंग करते हैं तो हमारे पैनल्स कुछ इस तरह से रीअरेंज हो जाते हैं, और अगर हमें वॉइस ओवर देना हो तो वॉइस ओवर के टाइम पे हम कुछ इस तरह से सेटअप यूज करते हैं। हमारे पैनल्स को निकाल देते, सामने रख देते ताकि हमारे वॉइस में बिल्कुल भी एको ना हो, वॉइस जो है बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए। और यहाँ पे थिकनेस बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि यहाँ पे थिकनेस हमें चाहिए थी 3 इंच की, जो कि हमें नॉर्मल अकुस्टिक पैनल्स में नहीं मिल रही थी। एंड अगर डेंसिटी की बात करें तो हमने यहाँ पे 23 डेंसिटी के फोम्स यूज किए। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 30 डेंसिटी या उससे ज्यादा भी यूज कर सकते हो। ए फोन साइलेंट कर। तो इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है, इसके लिए आपको लगने वाली एक सामग्री की लिस्ट जो कि अभी मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले आपको लगेगा प्लाई जो कि हमने यूज किया 6 mm का, और हमने इसमें ली है 2 शीट्स जो हमको मिल जाती है 6x4 फीट की, जिसे हमने कट किया था 3 फीट और 2 फीट के साइजेस में। सेकंड थिंग आपको लगने वाला है फोम, जिसे हमने लिया था 6x3 के साइज में और इसे हमने 2x3 में कट कर दिया, तो टोटल हो गया हमारे 9 फोम्स। नेक्स्ट आपको लगने वाला है क्लॉथ जो कि हमने लिया था 4x4 के साइजेस में और ये हमें 9 पीसेस लगे क्योंकि हमारे पास 9 पैनल्स। नेक्स्ट आपको लगने वाला है एज सपोर्टर या फिर आप इसे कॉर्नर गार्ड भी कह सकते हो जो कि आपके कॉर्नर साइड में होता है, और ये हमने लिया था एक पैनल में 4 लग रहे, तो टोटल 36 कॉर्नर एजेस हमने यहाँ पे लिए। फिफ्थ आपको लगने वाला है होल्डर या फिर हुक, ये आपको 9 पेयर्स लेने क्योंकि एक आपके पैनल पे आता है और एक आपके वॉल पे जाता है। फिर आपको लग जाएंगे एक अच्छा वाला स्टेपलर, और हमने यहाँ पे 2 पैकेट पिंस के ले लिए थे जो कि पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पे फेविकॉल भी लगेगा, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हो और स्ट्रॉन्ग आपके पैनल्स हो जाए तो आपको यहाँ पे फेविकॉल भी लेना। 8th है स्क्रू, यहाँ पे हमने लिया 1 इंच के स्क्रू वॉल पे लगाने के लिए और 1/2 इंच के स्क्रू हमारे पैनल्स पे लगाने। 9th में आपको कुछ टूल्स लगेंगे जैसे सीजर हो गई कपड़ा काटने के लिए, ड्रिल हो गया हल्का फुल्का गड्ढा करने के लिए, और लास्टली आपको लगेगा स्क्रू ड्राइवर आपके स्क्रू टाइट्स करने के लिए, और फाइनली आपको लगेगा एक एक्सपर्ट बंदा जो क्रिएटिव हो आपके टीम में जो इसको बना सके। तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे कि आप कैसे इसे बना सकते हो। सामग्री तो हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी है, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जो आपके साइड एजेस है उसके ऊपर आपके पट्टियों को चिपकाना है, मतलब जो आपकी जो प्लाई है उसको चिपकाना है, पूरा उसका फ्रेम बनाना है, और फ्रेम बनाने के बाद आपको उसे स्टेपलर से टाइट कर देना है, वो टाइट हो जाते हैं उसके बाद आप उसे फेविकॉल भी लगा सकते हो, और रात भर आपको उसको छोड़ देना है फेविकॉल लगा के ताकि वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए। बाद में हमने इसके ऊपर हुक लगा दिया, लेकिन हुक में हमें इशू ये हो रहा था हमारा प्लाई जो था वो 6 mm का था और हमारा स्क्रू उतना होल्ड नहीं कर पा रहा था, तो हमने छोटी छोटी प्लाई की पट्टियां काट के उसके लगा दी, हमारा प्लाई हो गया 12 mm का और जो हमारा हुक है वो हो गया अच्छा स्ट्रॉन्ग। उस पर ड्रिल मशीन से होल करके हमने उसके ऊपर वॉल हुक लगा दिए और ये काफी अच्छे से टाइट भी हो गए थे। फिर सिंपली हमने उसके ऊपर फोम डाला, क्लॉथ लगाया एंड उसको स्टेपल कर दिया, और यहाँ पे बहुत इजीली हमारा एक पैनल रेडी हो जाता है। और अगर आपको इसके अंदर और थोड़ी सी फिनिशिंग वगैरह करना हो, जो आपका कपड़ा होता है उसे थोड़ा बहुत टाइट वगैरह करना हो, तो आप इसे घिस घिस के स्टेपल कर दो तो काफी अच्छे से फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाता है। और अगर आप कपड़े को अगर प्रेस करके अगर लगाते हो तो और अच्छा दिखता है। और ये पैनल्स रेडी करने के लिए हमें 3 दिन लगे क्योंकि हमने फर्स्ट डे पूरा मार्केट से सामान खरीद के लेके आ गया क्योंकि हमें बहुत
ज्यादा घूमना पड़ा था, बहुत सारे सामान चूज करने पड़े थे। सेकंड डे हमने इसे पूरा स्टेपल करके पूरी फ्रेम्स रेडी कर ली थी, फेविकॉल लगा के रात भर छोड़ दिया था। और थर्ड डे हमने इसके अंदर फोम लगा के क्लॉथ लगा के इसे रेडी कर लिया। तो आप देख सकते हो हमारे कितने खूबसूरत अच्छे अच्छे पैनल्स रेडी हो गए। तो ये सारे पैनल्स अगर आपको बनाने हो तो आप मुझे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं मेरा कमीशन बता दूंगा। पैनल्स अच्छे लगे होंगे तो लाइक करके बता देना। जल्दी मिलेंगे स्टूडियो टूर में।